नहीं लेगी पार्टी, जो भी कार्य सौंपेगी वो करेंगे, मुस्तैदी से करेंगे। माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का फिर से हम विकास काम में लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक के कार्यक्रम में मैं एक्टिविस्ट राम सुंदर आपको जानकारी दे कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बीजेपी का जो चेहरा सामने आ रहा है उसका नाम है कामेश्वर चौपाल, जो बिहार की राजनीति में एंट्री करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ क्या क्या बात किए हैं और उनका समर्थकों ने किस प्रकार से भव्य स्वागत किया है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कामेश्वर चौपाल का भव्य स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा पटना एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। और कामेश्वर चौपाल के संदर्भ में बता दें कि कामेश्वर चौपाल वही दलित नेता है, बीजेपी के संघ के नेता हैं, जिन्होंने राम मंदिर में पहला ईंट डाला था। कि बिहार में कामेश्वर चौपाल की एंट्री के बाद उनके समर्थकों ने किस प्रकार से भव्य स्वागत किया है और कामेश्वर चौपाल ने पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही क्या क्या कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जी, कहा यह जा रहा है कि बिहार में जो नई सरकार बनेगी उसमें एक महत्वपूर्ण पद आपको दिया जाएगा। देखिए, मैं तो संगठन का सिपाही हूँ, जो निर्णय लेगी पार्टी, जो भी कार्य सौंपेगी वो करेंगे, मुस्तैदी से करेंगे। आप तैयार हैं? अगर महत्वपूर्ण पद आपको मिलता है तो आप इसके लिए तैयार हैं? भैया, मैं तो कहा कि कार्यकर्ता हूँ, पद तो छोड़ दीजिए, जो भी काम मिलेगा सब करेंगे। एक चीज सर, ये देखा जाए नंबर ऑफ सीट बीजेपी की ज्यादा आई है, क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश बनाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इस विषय पर मैं पूरा मंथन हो चुका है, अब इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का फिर से हम विकास काम में लगेंगे। लास्ट सवाल, पार्टी जो भी पद अगर आपको बिहार में देगी, सरकार बनेगी, आप उसके लिए तैयार हैं? मैं तो कहा हूँ, सिपाही हूँ, जिस मोर्चा पर खड़ा करेंगे खड़ा रहूंगा। चुनाव के परिणाम आए हैं, बिहार दौरा थोड़ा हुआ है, आज एनडीए की बैठक भी है, क्या कुछ भूमिका रहेगी आपकी? एनडीए में जो हमारे नेतागण हैं वो बैठेंगे, जो निर्णय करेंगे उस निर्णय के साथ संपूर्ण पार्टी है, पूरा एनडीए है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से कामेश्वर चौपाल ने बिहार की राजनीति में अपनी जिम्मेदारी के संदर्भ में बताया है कि हम संगठन के सिपाही हैं और जो भी काम सौंपा जाएगा हम बखूबी करेंगे। ऐसे में बिहार की राजनीति में कामेश्वर चौपाल का किस प्रकार से दबदबा रहेगा, ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक उथल पुथल और बिहार में एक सियासत भूचाल की जो बू है वो दिखाई देने लगी है, जहां नीतीश कुमार दीपावली और छठ के बाद शपथ लेने की बात हो रही है, वहीं कामेश्वर चौपाल की एंट्री से निश्चित रूप से बीजेपी के जो राजनीतिक चाल है वो निश्चित रूप से आपको दिखाई देने लगेगी, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने कामेश्वर चौपाल को बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक जो जिम्मेदारी है वो सौंपी है। और नीतीश कुमार भी यह बात स्पष्ट किया है कि एनडीए की बैठक होगी और यदि उन्हें नेता चुना जाता है तो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मान्य होगा। और दूसरी बात, जहां बिहार में कामेश्वर चौपाल की एंट्री हुई है, वहीं एक प्रकार से बिहार में बीजेपी की पकड़ और दलितों की जो एक आबादी है उस पर नज़र रखने की सबसे बड़ी कवायद शुरू हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बताइए, साथ में जो आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समी।